राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आज अजमेर आरपीएससी के बाहर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बेरोजगार महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा का आयोजन कई समय पहले किया गया था, जिसके रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन आरपीएससी प्रशासन की डुड़मिल रवैये के चलते रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण परीक्षार्थियों को मनोवैज्ञानिक दबाव सता रहा है और वह अन्य परीक्षा में भी शामिल नहीं हो पा रहे। इसीलिए आज आरपीएससी प्रशासन को अंतिम बार ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर बेरोजगार महासंघ के बैनर तले आरपीएससी के बाहर महापड़ाव डालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आरपीएससी प्रशासन की होगी। आरपीएससी की लापरवाही प्रदेश के लाखों बेरोजगारों पर भारी पड़ रही है। यानी कि 18 नवंबर से 18 दिसंबर में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 9000 पदों पर जो एग्जाम हुई थी उसका दस्तावेज सत्यापन हो चुके थे। एक महीना और 18 दिन बीत चुके, फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ है और न ही इनकी जो कार्य दिख रहा है वे फाइनल परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की इनकी नीयत भी नहीं है, क्योंकि आरपीएससी लापरवाही कर रही है। पूर्व भर्तियों में 2016 वाली भर्ती 2019 में पूरी हुई है, आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, यदि जल्द से जल्द परिणाम जारी नहीं किया तो आरपीएससी के बाहर भी पड़ाव डालेंगे। इसके अलावा विधानसभा सत्र जो फरवरी में है उसका हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी कार्य नहीं कर रही है, न कैलेंडर जारी करती है, न समय पर परिणाम निकालती है, न समय पर फॉर्म भेजती है। ऐसे में बेरोजगारों में हताशा छाई हुई है, आरपीएससी घोर लापरवाही कर रही है। हम आरपीएससी का विरोध कर रहे हैं कि सिस्टम में सुधार करें और बेरोजगारों को रिजल्ट के साथ साथ समय पर उनको रोजगार देने में सहयोग करें।